फोटो है। ये आपका पहलवान है जी, आसिफ मीर पहलवान का बेटा है ये, माशाल्लाह मेरा शागिर्द है और मैंने इसकी आज दस्तार बंदी की है। ये पहले भी 2 साल से मेरा शागिर्द है, आज हम इनके घर आए हुए हैं और आकब पहलवान के वाले साहब को हमने यूनियन शुमाली लाहौर का सदर मुकर्रर किया है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट तैयब अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जी आज रुस्तम एशिया रुस्तम पाक हुए उस्ताद बशीर पहलवान भोला भाला, शायद पहलवान खोए वाला शेर पंजाब, लाला शायद चेयरमैन देसी कुश्ती पंजाब, शबीर मुगल साहब चेयरमैन देसी कुश्ती और मीर मोहम्मद आसिफ साहब को तमाम शुमाली लाहौर की यूनियन ने मिलकर सदर मुकर्रर किया है और हम उम्मीद करते हैं कि इनकी ज़ेर सरपरस्ती में शुमाली लाहौर की पहलवानी परवान चढ़ेगी और नामवर पहलवान यहाँ से उठेंगे और पूरे पाकिस्तान में नाम रोशन करेंगे। तो आज इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह इस चीज़ को देखते हैं और किस तरह ये इस काम को लेके जाएंगे और पहलवानी के लिए काम करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तमाम दोस्तों को, तमाम देखने वालों को, तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ़ से, मेरे दोस्तों की तरफ़ से और तमाम पहलवानों की तंजीम जो बनी है पाकिस्तान के अंदर उनकी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों ये रमज़ान का महीना है और इस रमज़ान के अंदर जिस तरह पहलवानी को इफ्तार पार्टी डिनर प्रोग्राम रखे जा रहे हैं, ये इस जो नई तंजीम बनी है ये सब उस तंजीम की मेहरबानी है। इस पहलवानी को जो अरूज दिया है उसमें पाकिस्तान उसमें एशिया भोला भाला पहलवान साहब दुनिया उसको जानती है और इसने पूरी दुनिया में जाकर हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। उसके बाद हमारी जो इन्होंने मिलकर दोस्तों ने या हुकूमती सरपरस्ती में दोस्तों ने मिलकर सारी तंजीम बनाई है, उस तंजीम के अंदर चेयरमैन शबीर मुगल साहब हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, और सदर पाकिस्तान अरशाद अरशस्तार साहब हैं और सदर पंजाब लाला शाहद हैं, उसके बाद सदर लाहौर काला पहलवान साहब हैं और सरपरस्त आला शाहद पहलवान साहब हैं, मेरे वालद साहब हाजी नायद अली पहलवान पाकिस्तान रेलवे, उसके बाद मेरे दादा जी मलक लभू पहलवान साहब, उसके बाद मेरा नाम आसिफ मीर पहलवान, मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तलक है, मैं लाहौर का नायब सदर हूँ और ये जो बाडी बनी है ये एक चंद एक पचीदा पचीदा पाकिस्तान के हीरे हैं और ये जगह जगह जाके पहलवानों को खानों को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, अपनी तरफ से बादाम दे रहे हैं, अपनी तरफ से जाके उनको तेल भी दे रहे हैं, अपनी तरफ जाके उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं और ये अगर हमारी हुकूमत सपोर्ट करे, जिस तरह आपने सुना होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नाम है नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, उसके बाद अगर इनको इधर बैकग्राउंड पर जाएँ तो इनके जो सरपरस्त जो हमारे पाकिस्तान दुनिया के पाकिस्तान हिंद के रुस्त में जमा हुए हैं, क्या गामा पहलवान, अमाम बख्श पहलवान, मोहतरमा कुलसूम साहब के नाना थे, अगर वो इसकी इस पहलवाने की सरपरस्ती करें तो नशे के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा जहाज़ है और ये नशे के ख़िलाफ़ जहाज जाते हुए ये जो जगह जगह आजकल गलतकारियाँ हो रही हैं, जुर्म फैल रहा है, ये पहलवानी वह ऐसा ऐसा शोभा है, सिर्फ क्रिकेट को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, अगर पहलवानी की बैक की जाए तो मेरे ख्याल के मुताबिक इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में 4 चांद लग जाएं, इंडिया को पीछे छोड़ा जाए, एक तो ईरान को पीछे छोड़ा जाए, पहलवान के अंदर पाकिस्तान के अंदर पहलवानों की कमी नहीं है, सिर्फ हमारे पीछे बैक नहीं है। अगर ये लोग बैक कर रहे हैं अपनी तरफ से, मेरे ख्याल के मुताबिक शहबाज शरीफ को चाहिए, मरियम नवाज को चाहिए, उसकी नाना बड़े नाना का प्रोटोकॉल है, ये एक एजाज़ है, उनकी अगर शिनाख्त बनी है पाकिस्तान में तो उसमें ज़माने बनाई है, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पार्टी ये बनी है तो ये सिस्टम उस वजह से बना है, तो आप ये पहलवानों की बैक करें, मेरा तलब पीपल्स पार्टी के साथ है, मैं भी जरदारी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, बलावर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने पंजाब जो हमारे राजा प्रदेश साहब स्पीकर हैं हमारे पंजाब के, मेरी समीना गुरकी MNA हैं और मेरे दोस्त हैं, मैं भी सुबह पाकिस्तान पीपल का उम्मीदवार इस हल्के से हूँ 152 से, मेरे जोनल सदर हैं तारे, मिलकर हम इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग या जितनी भी जमातें हैं इन पहलवानों की सपोर्ट करेंगे और आज इन्होंने मुझे शुमाली चौल लाहौर का अहदा दिया है, मैं पहले मुझे दिया था देसी कुश्ती का और उसमें पाकिस्तान का मेरी एक मसरूफियत है, मेरे एक बिजी है, मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैंने वो अहदा नहीं लिया, मैंने छोटा सा अहदा इसलिए लिया है ताकि मैं साथ साथ काम भी कर सकूं, इनकी हम प्रोटोकॉल भी देंगे, जहाँ का खर्च होगा वो भी करेंगे, जानी माली इनकी हिफाजत भी करेंगे, इंशाल्लाह इनके साथ भी चलेंगे, बल्कि मैंने इनको अपना बेटा हाफज आका मीर पहलवान भी इनका शिगिर्द कर दिया, शाह पहलवान का बोले पहलवान की निगरानी में, और इन पहलवानों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इफ्तारी पर तशरीफ़ लाए हैं और वक्त बड़ा कम है, रोज़े का इफ्तारी का टाइम है, आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि आप लोग अपने बच्चों को इस तलीम की तरफ लेके आए, इनको तलीम भी मिलेगी और सेहत भी मिलेगी और नशे के खिलाफ जहाज भी होगा, आजकल सिर्फ तलीम को प्रोटोकॉल दिया जा रहा, सेहत को नहीं दिया जा रहा, सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, अगर सेहत के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ किसी ने करना है तो वो हमारी तंजीम ये करेगी भोला भाला पहलवान साहब की, ये दोस्तों की साथियों की तंजीम की वजह से आप बच्चों को आगे लेके आए, इंशाल्लाह जो होगा हम पाकिस्तान के लिए करेंगे और ये बच्चे कल को हमारे मुल्क का सरमाया और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारे दोस्तों का हकीमां का पहलवानों का दोस्तों का शुक्रिया कि मेरे को रुस्तम एशिया भोला भाला पहलवान साहब और फखरे पाकिस्तान अहमद सलीमी साहब तिब्बत के बादशाह तशरीफ ले आए ने उन्होंने मेरे हुक्मा हजरात उन्होंने मेरे पहलवान हजरात साल भाई दुपट्टी साहब तसवर भाई साहब सारे दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक मखसूस पार्टी रखी गई है दोस्तों के इज़हार वास्ते मेहरबानी कबूल फरमाए।